सो हेलो एवरी वन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कहता हूँ गाइस अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं वीडियो ही लेट जो है डाल पाया हूँ, क्योंकि होली थी तो मैं थोड़ा बाहर बिजी था, बाहर गया हुआ था, यहाँ पे था नहीं, तो मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता था और मैं आपको उसमें बता भी नहीं सकता क्योंकि अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है, उस वीडियो में हमने रिकैप पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो वो हो गया था। अब हम जो इसका नेगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव फॉर्म पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉट होता है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। तो चलिए अब इसी को जो हम लोग पढ़ते हैं। मैंने लिख लिया था कि हम लोग जो है अपना टाइम बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ सकें, क्योंकि 4-5 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गए हैं और हफ्ता होने वाला है। तब नेगेटिव फॉर्म पहले पढ़ दे। तो नेगेटिव फॉर्म का एक तो रूल होता है, वो रूल ये होता है कि जब भी नेगेटिव फॉर्म हो तो हैव प्लस नॉट लगाना पड़ेगा, हैव नॉट, हैव प्लस नॉट। और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और ये बीच का भी छोड़ देते हैं, प्लस वी ing फॉर्म, ov प्लस ow, पूरा वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे नेगेटिव का नॉट आ गया है, बाकी पूरा वही फॉर्मूला है। तो एग्जांपल में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि राम दिल्ली नहीं जा रहा है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो राम इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ओके, अब राम क्या है, सिंगुलर है तो ये इज आ गया। फिर अब नेगेटिव फॉर्म है तो हमने नॉट लिख दिया। अब गो क्या है, जा क्या है, गो, और गो को हमको आईएनजी फॉर्म में करना है तो गोइंग टू दिल्ली, तो बन गया ना हमारा। ये थे हमारे नेगेटिव फॉर्म। अब हम जो है इंटरोगेटिव फॉर्म पढ़ देते हैं। तो इसका इंटरोगेटिव फॉर्म का फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी ब्रैकेट आईएनजी प्लस ओवी प्लस ओडब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए, एक तो चीज थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी एक चीज़। यहाँ पे सब पहले सब्जेक्ट लगता था, फिर इज एम आर होता था, बट यहाँ पे इज एम आर पहले फिर बाद में सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए। तो क्या तुम, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कहेंगे ये, क्या तुम पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। ओके, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये गाइस आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको याद रहेंगे। और चैनल पे हैं तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म्स। तो चलिए अब इनको भी, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म्स को भी पढ़ लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा कि इज एम आर पहले होगा, ये दोनों का फॉर्मूला मिक्स है, जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है ये दोनों का फॉर्मूला मिक्स है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी ओ वी प्लस ओ डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, दोनों का मिक्सअप है। तो अगर आप नेगेटिव इंटरोगेटिव समझ लिए होंगे तो ये तो आपकी बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पे क्या वे दूध नहीं बेच रहे हैं, आर दे नॉट सेलिंग मिल्क। देखिए इसमें इंटरोगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने एक तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, गाय घास खा रही है, तो इसको आपको सिंपल वाले में करना, नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो गाय घास खा रही है, इसको सिंपल में तो गाय इज ईटिंग ग्रास, नेगेटिव में गाय इज नॉट ईटिंग ग्रास, इंटरोगेटिव इज काउ ईटिंग ग्रास, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इज काउ नॉट ईटिंग ग्रास। ओके, चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो गाइस अब ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले आइडेंटिटी जान लो कि लास्ट में क्या आएगा जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आए, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, ही शी इट नेम सिंगुलर हैं, अगर ये ही शी इट नेम जो सिंगुलर हैं वो आए
तो हमको हैज़ का यूज़ करना है, और आई वे दे यू जो प्लूरल हैं अगर वो वर्ड में आते हैं तो हमको हैव का यूज़ करना है। अब सेकेंड रूल है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो जो है आपको कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे, कुछ मेन मैंने 5 तो लिखे हुए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप लोग इम्पोर्टेंट है तो ये आप लोग याद कर लेना, ये मेन है तो ये ज़्यादा और ये यूज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट है गो, गो का गो, वेंट गोन गोइंग, कम का कम कम, कम केम केम, कम केम कम कमिंग, प्ले प्लेट प्लेट प्लेइंग, बाय बॉट बॉट बाइंग, लाफ 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 लाफिंग। तो ये 5 आपको याद करने हैं, बाकी के और भी आपको याद करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो याद नहीं करने पड़ेंगे। तो एक तो आपने जान लिया, अब हम इसका चलिए फॉर्मूला जानते हैं। अब इसका चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नेगेटिव। अभी ये वाला हो गया, अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला तो उसका पीछे देख लेते हैं, मुझे को पता ही नहीं था। तो अब हमें जो है इसका नेगेटिव वाला देखते हैं। तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट अपन अपॉन हैव नॉट, पता ही है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ वी प्लस ओ डब्ल्यू। वह चाय नहीं पी चुका है, ही हैज़ नॉट टेकन टी। इंटेरोगेटिव अगर पढ़ें तो हैज़ अपॉन हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ वी प्लस ओ डब्ल्यू और क्वेश्चन मार्क। तो हैव ही टेकन टी, इसको आपको जो है कमेंट में करना है हिंदी में। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय।